नमस्कार दोस्तों, अभी अभी भोपाल से दिल्ली जा रही ट्रेन में लगी भयंकर आग। ट्रेन में बैठे यात्री और रेल प्रशासन तक अफरा तफरी का माहौल बना। आखिर इतनी बड़ी रेल दुर्घटना कहां पर हुई और कैसे हुई? ट्रेन में आग लगने की असली वजह क्या है? क्यों बार बार इस प्रकार की रेल दुर्घटनाएं देखने को मिलती है? इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन के लिए निकली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ हुआ है। आपको बता दें, वहीं यात्रियों के बीच सनसनी फैल गई। वंदे भारत में लगी आग से किसी प्रकार के जानमाल की कोई नुकसान होने की खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन पश्चिम मध्य रेलवे ने एक बयान जारी कर बताया है कि बैटरी बॉक्स में कुछ तकनीकी खामियां आई, जिसके वजह से ट्रेन में आग लग गई। ट्रेन संख्या 20171 भोपाल हजरत निजामुद्दीन वंदे भारत 17 जुलाई को सुबह 5:40 पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रवाना हुई थी। जिस वक्त आग की घटना हुई, उसी वक्त C14 कोच में 30 से ज़्यादा यात्री सवार कर रहे थे और यह घटना उस वक्त हुआ जब सुबह के 7 बज रहे थे। आग लगते ही सारे यात्री ट्रेन के कोच से उतरकर भागने लगे। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जैसे ही C14 कोच के यात्रियों ने आग देखी, वैसे ही उन्होंने अफरा तफरी का माहौल बना दिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ देर बाद जब ट्रेन रुकी तो सारे यात्री ट्रेन से निकलकर बाहर आए। यात्रियों ने बताया कि उन्हें नीचे उतरकर देखा तो कोच के बैटरी बॉक्स में आग लग चुकी थी और सारे यात्री नीचे उतरकर ट्रैक पर ही खड़े रहे और इस घटना को देखने दूसरे लोग भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि ट्रेन में मौजूद स्टाफ ने आग बुझाने वाले यंत्रों के लिए आग पर काबू पाया। खबर ये भी सामने आ रही है कि 15 से 20 मिनट तक कुरबाई के थ्रो स्टेशन पर ट्रेन को रोकनी पड़ी और ट्रेन के चेकअप के बाद फिर से ट्रेन को रवाना कर दिया गया। बाकी इस दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।